दोस्तों, क्या आपने पर्सी हैरिसन फॉसेट के बारे में सुना है? वे एक ब्रिटिश जियोग्राफर, आर्टिलरी ऑफिसर, कार्टोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और एक खोजकर्ता थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन दक्षिण अमेरिका की खोज और अमेज़न में एक खोए हुए शहर को खोजने के लिए समर्पित कर दिया था। इन्होंने ब्राज़ील के जंगल में इस प्राचीन शहर को ढूंढने में बरसों लगा दिए। 1925 में फॉसेट अपने बड़े बेटे जैक और उसके एक दोस्त के साथ जेड नाम के एक प्राचीन खोए हुए शहर को ढूंढने के मिशन के दौरान गायब हो गए। हालांकि ये अब तक नहीं पता चल पाया कि क्या फॉसेट को वो कभी मिला जिसकी तलाश में वो निकले थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च के दौरान बोलिवियन अमेज़न के जंगलों के नीचे पिरामिड और नहरों की खोज की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इससे भी ज्यादा कुछ खोज निकाला है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ के रूप में संदर्भित किया जाता है, ये एक विशाल और रहस्यमय इकोसिस्टम है जो अपने अंदर छुपे अनगिनत रहस्यों को सुलझाए जाने का इंतजार कर रहा है। 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला ये वनस्पतियों और जीवों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला का घर है, जिनमें से कईयों को अब तक खोजा और समझा नहीं जा सका है। सबसे बड़े रहस्यों में से एक इसकी ना खोजी गई गहराइयों में छुपा है। टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज में एडवांस होने के बावजूद अमेज़न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा काफी हद तक राज में छिपा है, जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। इसके अलावा अमेज़न में रहने वाली स्वदेशी जनजातियां भी इसके रहस्यों को बढ़ाने का काम करती है। इनमें से कई जनजातियों ने अपने जीवन के पारंपरिक तरीके को बनाए रखा, जो बाहर की दुनिया से अलग थी। रेन फॉरेस्ट और उसके संसाधनों के बारे में उनकी जानकारी बहुत अनमोल है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा गहरे राज में डूबा है। इसके अलावा अमेज़न का यूनिक इकोलॉजिकल बैलेंस वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। रेन फॉरेस्ट का पौधों, जानवरों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं का पेचीदा जाल इसकी अविश्वसनीय जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी को बनाए रखता है। इतना ही नहीं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में संभावित अनदेखे मेडिसिनल ब्रेकथ्रू का रहस्य भी छिपा है। स्वदेशी समुदायों ने अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए रेन फॉरेस्ट के पौधों पर आधारित इलाज पर लंबे वक्त तक भरोसा किया। वैज्ञानिकों ने अभी सिर्फ रेन फॉरेस्ट की फार्माकोलॉजिकल काबिलियत की सतह को ही खंगाला है। अभी भी कई ऐसे इलाज के गुणों वाली चीजें हैं जो इसकी विशालता में छिपे हो सकते हैं। यहाँ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका खुलासा अब भी होना बाकी है। वही छिपी हुई प्रजातियों से लेकर प्राचीन सभ्यताओं और संभावित इलाज के चमत्कारों तक अमेज़न के पास कई ऐसी जानकारी और रहस्यों का खजाना है जो खुलासे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पशुपालकों को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो तो सिर्फ पशुओं को पालना और पैसे कमाना चाहते थे, और उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने शुरुआत की। जब लोगों ने खेती के लिए यहाँ के जंगलों को साफ करना शुरू किया, तब उन्होंने एक सोफिस्टिकेटेड प्री कोलंबियन स्मारक निर्माण समाज के अस्तित्व का पता लगाया, जिन्होंने सीधे ऑर्थोगोनल रोड से जुड़े सटीक जियोमेट्रिक प्लान के अर्थवर्क्स को बनाया था। 250 किलोमीटर से ज्यादा में फैली हुई जियोग्लिफ कल्चर बाढ़ के मैदानों और ऊपरी इलाकों का इस्तेमाल करती हैं। इसके सिर्फ एक अंश का अब तक पता लगाया गया है। इन संरचनाओं में करीब 36 फीट चौड़ी और कई फीट गहरी खाइयां शामिल है, जो 3 फीट ऊंचे किनारों से घिरी हुई थी। कुछ संरचनाओं में मिट्टी के बर्तन, कोयला और पत्थर के औजारों जैसी चीजें शामिल हैं।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन संरचनाओं ने किलेबंदी, घरों और औपचारिक जगहों जैसे अलग अलग उद्देश्यों को पूरा किया। ये अनुमान भी लगाया गया कि वे कई मध्ययुगीन यूरोपीय शहरों की आबादी से ज्यादा यानी करीब 60,000 लोगों तक की आबादी को अपने में शामिल कर सकते थे। Because of the tragic clearances of the Amazon, because the Amazon rainforest is literally being cut down and turned into soybean farms and cattle ranches, and in that cutting down process has emerged things that shouldn't be there at all. ये खोज उस धारणा को चुनौती देती है जिसमें ये माना गया था कि ऊपरी अमेज़न क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कृषि को सपोर्ट करने के लिए मिट्टी अच्छी नहीं थी। ब्राजील में फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पारा के एक मानव विज्ञानी बताते हैं कि मशहूर धारणा गलत है और इन क्षेत्रों में और भी बहुत कुछ ऐसा है जो खोजा जाना बाकी है। Spanish explorer who went down the Amazon River system in 1541 to 1542, and he reported seeing incredible cities, advanced arts and crafts, millions of people, a thriving culture. And 100 years later, when other Europeans got into the Amazon, they couldn't find these cities. Short team weekly basis पर नई संरचनाओं को उजागर करना जारी रखे हुए हैं। परंपरागत रूप से अमेज़ोनियन आर्कियोलॉजी ने अलग अलग इकोसिस्टम में विभिन्न लोगों के रहने का सुझाव दिया। आश्चर्यजनक रूप से बाढ़ के मैदानों और ऊपरी इलाकों में अर्थवर्क्स एक जैसे स्टाइल शेयर करते हैं जो एक संयुक्त सांस्कृतिक मूल का सुझाव देते हैं, और इसीलिए इतने बड़े क्षेत्र में डाइवर्स इकोसिस्टम में पनपने में सफल संस्कृति को ढूंढना एक आम बात नहीं थी। हाल ही में हुए राज के खुलासे, क्रिस्टोफर कोलंबस के आने के पहले के अमेरिका की हमारी अब तक की समझ को बदल रहे हैं। ऊपरी अमेज़न क्षेत्र में हुई खोज दक्षिण में जिंगो क्षेत्र में पहले के निष्कर्षों के समानांतर है, जहां गार्डन शहरों के रूप में जाने जाने वाले परस्पर जुड़े गांवों का एक नेटवर्क खोजा गया था। 800 से 1600 के बीच बने इन शहरों में घरों, खाई और पैलेसेड्स को प्रदर्शित किया गया था। इन खोजों ने लंबे वक्त से चली आ रही मान्यताओं को चुनौती देने का काम किया, जिसमें ऐसा माना जाता था कि अमेज़न ये जगह सिर्फ छोटी आदिवासी जनजातियों द्वारा बसा हुआ स्थान था। So Amazonian black earth, it's a man-made soil. It's thousands of years old. It's full of microbes that are not found in adjoining soil. And you can take a handful of 8,000-year-old terra preta and you can add it to barren soil and that soil will instantly become fertile. अमेज़न की घाटी में हुई खोज ने शोधकर्ता पर्सी फॉसेट द्वारा किए गए दावों को माना, जिन्होंने कॉनन डॉयल की द लॉस्ट वर्ल्ड को प्रेरित किया था। फॉसेट ने जेट शहर की खोज के लिए एक अभियान शुरू किया, लेकिन उनकी टीम गायब हो गई, वो भी एक अनसुलझे रहस्य को पीछे छोड़ते हुए। काफी लंबे वक्त तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि घने जंगल छोटे घूमने वाली जनजातियों को ही जिंदा रख सकते हैं। हालांकि अब ये महसूस होता है कि विजेता जब सफेद रंग में चमकने वाले शहर की बात कर रहे थे तो वे सच बोल रहे थे, लेकिन अफसोस ये खोजकर्ता अनजाने में ऐसी बीमारियां लेकर आए जिन्होंने मूल आबादी को बर्बाद कर दिया और जंगल को भूमि पर कब्जा करने और सभ्यता के अस्पष्ट संकेत को दोबारा हासिल करने की अनुमति दी। ये ध्यान देने जैसा ही है कि अमेज़न रेनफॉरेस्ट, जिसे हम आज जानते हैं, उसका अस्तित्व 15,000 साल पहले नहीं था। इस क्षेत्र में सवानास, जंगल और गीली जमीन का मिश्रण शामिल था, जो धीरे धीरे समय के साथ विशाल रेनफॉरेस्ट में बदल गया। इन सारे फर्क के बावजूद सबूत ये बताते हैं कि अमेज़न के प्राचीन लोगों के पास अपने वातावरण को अपनाने का जबरदस्त स्किल था। प्राचीन बस्तियों की खुदाई से विभिन्न फूड सोर्सेस के इस्तेमाल का पता चला, जिनमें मछली, शंख, जंगली खेल, फल, नट्स और अन्य पौधों की खाने की चीजें शामिल हैं। प्राचीन अमेज़ोनियन संस्कृतियों ने
हो सकता है कि अपने शिकार और संग्रहण एक्टिविटीज के अलावा छोटे पैमाने पर खेती की प्रैक्टिस की हो। उन्होंने शिकार, मछली पकड़ने, लकड़ी के काम और फाइबर कला जैसे अलग अलग मकसद के लिए पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने औजारों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने की खासियत का प्रदर्शन किया। कला और धार्मिक क्रिया अमेज़ोनियन कल्चर के अभिन्न अंग थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिलीजियस विश्वासों को विकसित किया, जिसमें अक्सर पूर्वजों की पूजा और मति भ्रम पैदा करने वाले पौधों का औपचारिक इस्तेमाल शामिल था। वे छोटे डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटीज में रहते थे, जो रिश्तेदारी के संबंधों के आसपास संगठित होते थे। हर समूह में कुछ संबंधित परिवार होते थे। ये निष्कर्ष अमेज़न के प्राचीन लोगों के समृद्ध इतिहास की एक झलक दिखाता है, जो पहले की धारणाओं को चुनौती देते हैं। और अमेरिका में पूर्व कोलंबियाई सभ्यताओं के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।